अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल देसी किचन इन न्यूज़ीलैंड। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। आज मैं बना रही हूँ एक और रमज़ान की रेसिपी, फायर क्रैकर चिकन रोल। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। फायर क्रैकर्स रोल बनाने के लिए मैंने लिया है एक फ्राई पैन और उसमें मैंने ऐड किया है 2 टेबल स्पून ऑयल। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जिंजर पेस्ट 1 टेबल स्पून, और मैं थोड़ा सा इसको सौते करूँगी और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिकन। बोनलेस चिकन मैंने ली है 1/2 kg जूलियन कट। और अब बस मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी ताकि इसका कलर जो है, अभी तो पिंक है, तो इतना फ्राई करूँगी कि ये वाइट कलर हो जाए इसका। फिर इसके बाद हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही चेंज रेसिपी है ये। अब रमज़ान में तो ऐसे ही होता है कि हमें अलग अलग ही तरह की चीज़ें बनानी पड़ती हैं ताकि बच्चे और हमारी जो भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सब लोग शौक से खा सकें। तो एक ये बिल्कुल चेंज रेसिपी है जो आज की मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आती है तो ज़रूर आप लोग भी ट्राई कीजिए, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आपकी फ़ैमिली को भी अच्छी लगेगी ये रेसिपी, क्योंकि बहुत मज़ेदार बनते हैं ये फायर क्रैकर्स रोल। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी रेड चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वाइट पेपर 1 टीस्पून, और ये है ग्रीन चिली पेस्ट। पता नहीं क्यों कलर इसका ऐसा आया है, भला वैसे कलर तो बहुत अच्छा था जब मैंने इसको पेस्ट बनाया था एकदम ग्रीन, लेकिन वीडियो में कलर सही नहीं आया है। और मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून टोमेटो सॉस। तीन टेबल स्पून टोमेटो सॉस डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून लेमन जूस, और बस अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह और लिड लगा के इसको पकने देंगे कि हमारी चिकन है वो अच्छी तरह टेंडर हो जाए। और जो भी हमने इसमें अभी ये डाला है, सारे जो मसाले यूज़ किए हैं और जो हमने इसमें केचप यूज़ किया है, वो अच्छी तरह से चिकन पे कोट हो जाए, इतनी देर हम इसको अभी कुक करेंगे। ये देखिए मैंने लिड लगा दी है अब, लिड लगाने के बाद चिकन का अपना ही पानी जो है, चिकन अपना पानी रिलीज़ कर देती है और उसी में हमारी चिकन जो है वो टेंडर भी हो जाती है। बोनलेस चिकन है तो बहुत ज़्यादा तो टाइम नहीं लगता है इसमें, फटाफट ही कुक हो जाती है ये। बस ये देखिए जो केचप हमने इसमें यूज़ किया है और सारे मसाले, वो अच्छी तरह से चिकन पर कोट हो गए। बस हमें इतना ही इसको कुक करना है और बस हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखिए ऑयल जो है वो बिल्कुल ऊपर आ गया है। ज़्यादा तो हमने ऑयल इसमें यूज़ नहीं किया है क्योंकि हमें तो इसके रोज़ बनाने हैं, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा इसको ऑयली नहीं करना है, बस इतना ही ऑयल इसके लिए काफ़ी था। ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया है, हमारी चिकन रेडी हो गई है बिल्कुल। और अब ये मैं देखिए आपको दिखा रही हूँ कि आप दो तरह से आप इसके रोल्स बना सकते हैं। एक आप 1 बाइट बना सकते हैं, 1 बाइट अगर चाहें तो 1 बाइट बना लीजिए, वरना आप
रेगुलर जो हम बनाते हैं जिस तरह रोल्स, वैसे भी आप बना सकते हैं इसके। अगर हम वन बाइट बनाएंगे तो हमें फिर चाहिए होगी ये स्क्वायर में, हम लेंगे स्प्रिंग रोल की जो पेस्ट्री होती है। ये देखिए वन बाइट हमारी रेडी हो गई है बिल्कुल। इसको हम जो मैंने इसके साथ वो बनाया था अंडे और मैदे का एक पेस्ट बनाया था मैंने, क्योंकि वैसे जो हम अगर वो बनाते हैं आटे का तो वो खुल जाती है अक्सर, तो मैंने इस तरह एक अंडे में 1 टेबल स्पून मैदा हीप डाल के उसको अच्छी तरह बीट किया था और वही पेस्ट लगा के मैंने इसको बंद किया है। और अब मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि हम दूसरे स्टाइल से भी बना रहे हैं, इस तरह जो हमारे नॉर्मल बनते हैं स्प्रिंग रोल, इस तरह भी आप बना सकते हैं। वन बाइट बनाएं या ऐसे बनाएं, आपकी अपनी मर्जी है। तो ये देखिए सब हमने रोल्स बना के और रख लिए हैं और बस हम फ्रीज कर देंगे और कुछ मैं आप लोगों को फ्राई करके दिखाऊंगी। फाइनल लुक आप लोग देख लीजिएगा अभी आगे। ये देखिए ये जो हमने बनाए हैं अभी वन बाइट्स, ये मैं आप लोगों को फ्राई करके दिखा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। जब भी कोई रोल या समोसे कुछ भी आप फ्राई करें तो उसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे करें, तो उससे बहुत अच्छे क्रिस्पी बनते हैं और बाद में सौगी भी नहीं होते। ये एक टिप है आज की, तो मैंने आप लोगों से भी शेयर कर ली है। तो चलिए इसके साथ ही मैं आज की अपनी वीडियो एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।